अभी 2.5 किलो की पैकिंग है जी, 2.5 किलो स्टैंडर्ड बना दिया। तीन तरह का आलू है, कुफरी मोहन, चिपसोना और मीर। जी उनको ठीक बनाए रखना, साख गई तो सब मिल गया। हम उस आधार पर कह, हमने अपने खेत में चना पैदा कर लिया, हमने अपने खेत में मूंग पैदा कर ली, कम हुई या ज्यादा हुई ये अलग प्रश्न है, पर हम दूसरे साल में बेहतर हुई और तीसरे में और बेहतर हुई और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में हम आ चुके हैं। और हम इस स्थिति में लाने के लिए जितना अध्ययन जरूरी है, जितना चिंतन जरूरी है और जितनी मेहनत परिश्रम आवश्यक है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। और मित्रों, जब भी कोई नया काम किया जाता है तो चुनौतियां तो आती ही आती हैं, जो उन चुनौतियों में से रास्ता निकाल ले वही सफल होता है। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारे माननीय विधायक घनश्याम जी जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, यहाँ पूरे जिले में सबसे अच्छी खेती करते हैं। जिले नहीं, मैं समझता हूँ बहुत एरिया में अच्छी खेती करते हैं। विधानसभा में भी ये बात कही है कि सबसे अच्छे किसान है जिनको कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे हमारे विधायकों में घनश्याम दास जी। तो जहाँ पहले इनकी जानकारी दूसरी टाइप की खेती बहुत ज़्यादा थी, तो अब इन्होंने ऑर्गेनिक शुरू की। इनके भतीजे हैं केशव, तो उन्होंने रिस्क लिया कि भाई हम इस टाइप की खेती करें। और मैं समझता हूँ बड़ा पुण्य का कार्य है कि जहाँ इससे हमारी धरती भी सेफ होती है, लगातार जिस प्रकार का खाद का और पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं उससे धरती की शक्ति भी कमज़ोर होती जा रही है। और धीरे धीरे क्या रहता है कि कितनी खाद का और कितनी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर ले उसके बावजूद भी जमीन बचती रही थी। इस प्रकार से मतलब खरपतवार वगैरह पैदा होते जा रहे थे, बीमारियाँ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार से खेती इन्होंने शुरू की, ऑर्गेनिक खेती शुरू करी है, और उससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उत्पाद मिलेगा लोगों को। पहले ज़माने में एक बात होती थी कि जब हम कोई चीज़ पैदा करते थे तो अगर वो गलत होती थी तो बेचते किसान भीड़ रहता था कि कहीं किसी को नुकसान होगा तो उसका पाप मुझे लगेगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इन 50-60 सालों में एक परिवर्तन आया, पाप जैसी कोई चीज़ बची नहीं है, बस केवल एक ही ध्यान रखता है सभी का, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, कोई भी हर आदमी का ये है कि मेरा प्रॉफिट किसी तरीके से बढ़ना चाहिए। इस प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर प्रॉफिट तो भले ही बढ़ाया नहीं बढ़ाया किसान का, लेकिन उसने अपनी ज़मीन तबाह कर दी, वो ख़त्म कर दी। और अगर हमारी ज़मीन ख़राब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ केवल किसान का नुकसान नहीं, पूरा सबका नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है। तो उसके लिए जिस प्रकार का ने प्रयास किया, जहाँ हमारी ज़मीन की भी बचाव होगा, उसका उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और वहीं अच्छे उत्पाद मिलेंगे और जहाँ वो खाने में भी टेस्टी भी होंगे और वो गुणों से भरपूर। देखिए केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत जिन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पर लोग इस तरह बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत बहुत रुचि थी खेती, खेती में उनके प्राण बचते थे इनके पिताजी के, मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए नहीं थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, लोग ऑर्गेनिक चीज़ लेना चाहते हैं, अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, मिली एक यहाँ एक स्थान है। इसमें सर होली को लेकर आप इनिशिएटिव ले सकते हो, यदि आपकी रुचि हो तो हम जैविक की ओर प्राकृतिक